फूड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे राज जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा एक बार यह वीडियो जरूर देख लेना आपकी जान बच जाएगी नंबर सात लाल मिर्च दोस्तों आपने कभी ना कभी लाल मिर्ची या फिर पिसी हुई मिर्ची मार्केट से लेकर आई होगी जो लोकल पैकेट में आती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मिर्ची को बनाया कैसे जाता है इन्हें बनाने की प्रक्रिया तो काफी अलग अलग तरीके से होती है लेकिन क्या आप जानते हो इन्हें जब सुखाया जाता है तो कुछ इस तरीके से उसमें चूहे हो जाते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हो इसमें कितने सारे चूहे हैं जिन्हें ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे और यही मिर्च पीस कर आपके घर में आती है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं नंबर छह पनीर आपने भी अपनी लाइफ में चीज यानी कि पनीर जरूर खाया होगा और पनीर कैसे बनता है ये सब आप जानते हैं इसे बनाने के बहुत सारे तरीके होते और ये बहुत अनहाइजेनिक तरीके से भी बनता है जैसा कि आप इन वीडियो में देख रहे हो लेकिन क्या आपको पता है दुनिया भर में कई सारे ऐसे देश हैं जहां से लोग इस पनीर को बेहद ही गंदे तरीके से खाते हैं जैसा कि आप इन वीडियो में देख रहे हो उसके अंदर इतने सारे वर्म्स हैं जिनको देखकर उल्टी आने का मन हो रहा है लेकिन फिर भी ये लोग काफी मजे से खाते हैं नंबर पांच पनीपुरी आप में से ज्यादातर लोग पानी पूरी के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे जिन्हें पानी पूरी खाना बहुत ज्यादा पसंद होगा लेकिन क्या आप जानते हो इन पानी पूरी को कितने अनहाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है अगर नहीं जानते हो तो इन वीडियो में एक बार जरूर देख लो इनका सबसे पहले पानी कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है उसके बाद में पानी पूरी कैसे बनाया जाता है जिसके लिए पैरों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं और इसका पानी यूज करने के लिए कई सारे ठेले वाले तो गटर का पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं नंबर चार फेक मिल्क हमारे देश में ज्यादातर लोग दूध पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और दूध हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है लेकिन क्या आप जानते हो कुछ शैतानी दिमाग वाले लोग हमारे दूध में भी मिलावट का काम करते हैं मतलब मिलावट तो दूर की बात है ये लोग तो पूरा ही नकली दूध बना लेते हैं जैसा कि आप इन वीडियो में देख रहे हो ये लोग किस तरीके से नकली दूध बना रहे हैं और हम लोग यही दूध पीकर हम सोचते हैं कि हमारी सेहत बहुत अच्छी होगी लेकिन उसकी जगह सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और इससे आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा नंबर तीन स्ट्रीट सोडा अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद में सोडा पीने की आदत होती है और वह बहुत मजे से इस सोडे को पीते हैं जिससे कि उनके पेट का हाजमा सही हो जाता है लेकिन क्या आप जानते हो अगर आप इसे रेगुलरली कंज्यूम करते हो इस सौदे को तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि ये जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ये लोग बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से इसे बनाते हैं उसके बाद में अगर आप इसे रेगुलरली पीते हो तो आपको इससे बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और आपके पेट का इंफेक्शन भी हो सकता है जिस वजह से आपको हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ सकता है नंबर दो स्ट्रीट चार्ट हमारे इंडियंस को बाहर का तला हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है जिसके लिए वह अपने पास ही की मिठाई की दुकान या फिर समोसे की दुकान पर जाकर काफी मजे से खाते हैं लेकिन क्या आपको पता है ये लोग कितने अनहाइजीनिक तरीके से इन सबको बनाते हैं अगर आपने नहीं देखा तो आप इन वीडियो में देख सकते हो कि ये लोग कितने अनहाइजीनिक तरीके से ये सब चीज बनाते हैं जिसे खाकर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है इसलिए इन चीजों को अवॉइड करें और हेल्दी फूड को खाना शुरू कर दीजिए नंबर एक चाइनीज फूड 2013 के बाद से हमारे देश में बहुत ज्यादा चाइनीज फूड को पसंद किया जाता है और चाइनीज फूड का क्रेज आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको हर गली के एक नुक्कड़ पर एक चाइनीज स्टॉल तो मिल ही जाएगा और वहां पर चाइनीज के नाम पर हमें न्यूडल्स फ्राइड राइस ये सब खाने के लिए मिलता है लेकिन क्या आप जानते हो कि वह जो तेल यूज करते हैं वह कितना गंदा होता है अगर नहीं तो आप इन वीडियो में देख सकते हो वह तेल इतना पुराना होता है जो कि दो से तीन दिन पुराना होता है और हम लोग वही खाकर काफी मजे लेते हैं दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इन चीज़ों से बच सके और उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता हो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले